नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने महाराष्ट्र से अपने घर का प्लान भेजा है। वे लिखते हैं कि मैं पुणे से हूं सर, मैंने आपकी वीडियो देखता हूं रहता हूं, मुझे न्यू वास्तु निर्माण करवाना है, आपकी सहायता चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नॉर्थ ईस्ट में स्टे कैसे ओके और नॉट नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल लिया है 4 फिट फ्रॉम ईस्ट एंड 5 फिट फ्रॉम नॉर्थ, बैक साइड बिल्डिंग पर मैसेज है, नॉर्थ साइड कंस्ट्रक्शन है, साउथ साइड में मेरे भाई का सेम साइज प्लाट है और हम दोनों का पार्किंग कॉमन रहेगा, टोटल प्लाट साइज 23x44 है, बट एज पर NA नॉर्म्स हमें 7.5 फिट फ्रंट में और 5.5 फिट साइड में छोड़ना होगी। देखिए दोस्तों दो बात, इन्होंने एक बात कही कि मेरे भाई का पार्किंग कॉमन रहेगा, उस भाई का प्लाट भी इसके साथ यहाँ पर साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो साउथ में भाई का मकान है और दोनों का पार्किंग कॉमन रहेगा। इस केस में हम जो जानकारी दे रहे हैं इस मकान की दे रहे हैं, पर दोनों का पार्किंग कॉमन रहेगा, उस केस में दोनों भाइयों का जो प्लान है दोनों, उसके भाई का भी जो रहेगा, दोनों को मिला के एक वास्तु होगा, यानी हम जो जानकारी दे रहे अधूरी रह जाएगी। क्यों? इसके भाई का भी जो हिस्सा होगा वो भी उसको मिला के एक वास्तु होगा, ये हम आधा वास्तु बता रहे हैं। क्यों? कि पार्किंग कॉमन हो गई, इसका मतलब वो एक हो गया वास्तु पूरा, इसके भाई का समझो घर ही है तो एक वास्तु, हम अभी आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा उससे वास्तु बिगड़ सकता बुरी तरह से। एक दूसरा उन्होंने पूछा कि पीछे जगह छोड़िए, यहाँ बोरिंग कराया है तो क्या, बहुत अच्छी जगह है, बात कराया है आपने, स्टेयरकेस यहाँ नहीं देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, स्टेयर केस देने में दिक्कत नहीं है, स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट में दी जा सकती है मकान की, ये जो बनावट है ये बनावट ने कैसे करी है, इनने स्टेयर केस न्यू देखकर ये यहाँ के देखिए आप, और इनने लिविंग रूम में जो है दिया OTS दे दिया, यानी इनके घर का इतना हिस्सा तो ये हिस्सा गायब, और ये हिस्सा कट हो जाए दरवाजा यहाँ लगेगा इनके घर का, जैसे यहाँ दरवाजा लगाया इन्होंने तो हिस्सा कट रहा है, इनको चाहिए यदि यहाँ देना भी है तो जो पीछे 5 फिट जगह था 3 फिट की बालकनी दे दें तो यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का कट खत्म हो जाएगा, इससे नॉर्थ ईस्ट का कट माना जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा, अच्छे वास्तु के लिए जरूरी है। ये वेस्ट फेसिंग है, गेट इन्होंने बहुत इधर दे दिया, इधर ज़्यादा करके इधर दिया गेट, इधर कम रखा है, ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा इधर करना चाहिए इनको। एक यहाँ पार्किंग दिया है, ये सीढ़ी का देख ले जो बताया मैंने, स्टेयर्स का सर्वेंट रूम का ठीक है, और स्टेयर्स पर जाने का जो दरिया ये गलत है, क्योंकि ये इस स्टेयर्स के लिए वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट से जा रहे हैं, गलत है, इसकी यहाँ से प्लानिंग होनी चाहिए थी। ऊपर आने के बाद आप देखिए कि ऊपर आ गए यहाँ से तो गलती है ना, यहीं से गलती होगी ना, यानी कि आप इधर से आते ज़्यादा अच्छा था, ऐसी कोई प्लानिंग की जाती तो, सॉरी ये इधर ही आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, ये यूँ चल के यूँ आएंगे, क्लियर नहीं है, ये यूँ आ रहे हैं, या शायद इसके लिए ऊपर ने बनाया है जो भी है, किचन ने ओपन रखा है ना, ये किचन इनका बड़ा है, थोड़ा इनको किचन छोटा करना पड़ेगा, क्यों कि ईस्ट पे भी आ रहा है, थोड़ा साउथ साइड भी आ रहा है तो ईस्ट का प्रभाव भी मिलेगा, ईस्ट को इधर तो चल जाएगा, इतना है लंबा, तो इधर से किचन थोड़ा छोटा कर ले ज़्यादा अच्छा है, दूसरा गेट जरूर लगाए यहाँ पर, गेट जरूरी है इनके लिए, ये दरवाज़ा ठीक है, ये टॉयलेट का रास्ता ने बाहर दिया है, ये डक्ट भी चलेगी, ये पलंग भी ठीक लगा, प्लेसमेंट बेड भी ठीक है, ये गलत है, ये सोफ़ा सेट ये सब इस तरफ आना चाहिए और ये दरवाज़ा इधर आना चाहिए। अब आइएगा सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आते तो ये दरवाज़ा इनका जो है यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस कमरे का हो गया उत्तर वायव्य, ये अच्छा नहीं होता है, विवाद वाला होता है, बदनाम मिलाने वाला होता है, ये गलत है, टॉयलेट ये ठीक है, डक्ट ये ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या करा है, मास्टर बेडरूम में कि टॉयलेट अंदर से दे दिया और ये कट दे दिया, इससे इनका नॉर्थ ईस्ट कट गया मास्टर बेडरूम का, ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया, बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, इसका कारण क्या रहता है, घर जो मुखिया रहेगा, जो घर का मुखिया है वो तरक्की नहीं कर पाएगा, ना बड़ा बेटा तरक्की कर, खास तो यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट घर का नहीं है, बेडरूम का है, तो घर का जो इस रूम में सोएगा, जो मास्टर बेडरूम है, घर का मुखिया उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा, उसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। और ये टेरेस इन्होंने यहाँ ओपन दिया है, यहाँ पूरा सीढ़ी दे दी है, तो इसको थोड़ा बनावट में परिवर्तन करें ज़्यादा अच्छा है, ये गलत है, बहुत अच्छी बनावट नहीं है, मतलब वास्तु दोष भी है इसके अंदर बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भाई का घर जुड़ेगा
उसके बाद उसका वास्तु कैसा है, उसके साथ उसका बोरिंग अंडरग्राउंड टैंक कैसे क्या, वो सब उस पर डिपेंड करेगा कि इस घर का वास्तु कैसा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।